हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग कैसे अपने क्रोम ब्राउज़र के बकवास नोटिफिकेशन, गंदे नोटिफिकेशनों को बंद कर सकते हो। जैसा कि आप लोग इस मोबाइल फ़ोन के ऊपर जैसे आप लोग नीचे करते हो, तो जैसे आप लोग नोटिस वाले बार को नीचे करते हो, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि आपको कुछ इस टाइप से नोटिफिकेशन आते होंगे क्रोम ब्राउज़र की तरफ से। ये आप लोग देख सकते हो, कुछ इस टाइप से आपको अगर नोटिफिकेशन आते हैं, तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आप लोग किस टाइप से इन नोटिफिकेशन को, गंदे नोटिफिकेशनों को रिमूव कर सकते हो। तो चलिएगा, आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। तो दोस्तों, क्रोम ब्राउज़र के इन गंदे नोटिफिकेशनों को हमेशा हमेशा के बंद करने के लिए आपको मैं कुछ स्टेप बताऊंगा, बस उन्हें आप लोग फॉलो कीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि मैं अभी जो मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ वो वीवो की कंपनी का मोबाइल फ़ोन है, जिस मोबाइल फ़ोन के अंदर मैं ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आप लोग किसी भी कंपनी का मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आपको बस क्रोम ब्राउज़र, तो यार सब मोबाइल फ़ोन्स में एक ही होता है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। तो क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए, एंड यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ एरो का सिंबल दिख रहा है, इस वाले सिंबल के ऊपर आपको क्लिक करना है। एंड इस पर क्लिक करने बाद यहाँ पर आपको सेटिंग्स के अंदर चले जाना है। सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पर नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है, और यहाँ पर आपको दिखेगा नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन के ऊपर आपको क्लिक करना है। नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करने बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस टाइप से इंटरफेस क्रिएट होगा, तो इसको यहाँ पर आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। एंड गाइज, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये जो लिखा हुआ शो नोटिफिकेशन, यहाँ से आपको हर सेटिंग्स के ऊपर की तरफ से इन टिक मार्क्स को ऑफ कर देना है। तो ऐसे कर दीजिएगा सभी सेटिंग्स के ऊपर से। तो इनको करने के बाद यहाँ पर सिंपली बैक आ जाइए, सभी सेटिंग्स के ऊपर से यहाँ पर इसको आपको अनटिक कर देना है। सेकंड सेटिंग क्या ऑफ करनी है आपको, यहाँ पर देखिएगा प्राइवेसी के अंदर जाइए, एंड प्राइवेसी के अंदर जाने के बाद यहाँ पर आप लोग नीचे की तरफ देख सकते हो क्लियर ब्राउजिंग डेटा, तो इस पर क्लिक कीजिए। एंड सिंपली यहाँ पर आप लोग यहाँ पर टाइप करोगे ऑल टाइम, तो ऑल टाइम का डेटा यहाँ पर सिलेक्ट करोगे, और यहाँ पर हम लोग नीचे कर देंगे क्लियर डेटा। तो यहाँ पर जो आपका क्रोम ब्राउजर में ये जो नोटिफिकेशन आते थे, ये बकवास जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं, ये आपके आना बंद हो जाएंगे। तो गाइज, बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसे लगे लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सभी को चैनल से इसी टाइप की वीडियोज मिलती रहेंगी। तो चलिए गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सो थैंक यू गाइज़।